शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः प्रथम पुरुष एकवचनम् पाठ पंचम का वर्ग पंचम कक्षायां पाठ अष्ट अहम कृष्णानंद झा अस्मि। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष कहलाता है। एक वचन, जो एक संख्या का बोध कराता है, एक वचन कहलाता है। पाठ आठ प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष का परिभाषा लिखिए, जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष कहलाता है। जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष कहलाता है। एक वचन, इसकी परिभाषा लिखिए, जो एक संख्या का बोध कराता है एक वचन कहलाता है। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन? पहला हुआ प्रथम पुरुष, दूसरा हुआ मध्यम पुरुष, तीसरा हुआ उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की परिभाषा क्या लिखा है अभी? जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष कहलाता है, अंग्रेजी में जिसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। मध्यम पुरुष, जो मेरे बातों को सुनता है मध्यम पुरुष कहलाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। उत्तम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। जब दो व्यक्ति आपसी वार्तालाप में, वार्तालाप मतलब बातचीत, किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, सह, वह पुल्लिंग के लिए, सा, वह स्त्रीलिंग के लिए, तत्, वह नपुंसक लिंग के लिए। तत् मतलब क्या होता है? वह किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए। किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए। फिर से यहां से आप देख लीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, मतलब जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग अगर हम बातचीत के दौरान किसी तीसरे के लिए प्रयोग करेंगे वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और किताब के बारे में बात कर रहा हूँ कि राजेश अच्छा लड़का है, तो राजेश क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष हो जाएगा। राजेश क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष हो जाएगा। सह, वह, सह मतलब क्या होता है? वह किसके लिए? प्रथम पुरुष के लिए। अब देखिए, सह पठती, बालक क्रीडती, श्यामः धावती। सह पठती, इसका हिंदी क्या होता है? वह पढ़ता है। बालक क्रीडती मतलब बालक खेलता है। श्यामः क्रीडती मतलब श्याम दौड़ती, धावती मतलब श्याम दौड़ता है। सह लिखती मतलब वह लिखता है। सह चलती, वह चलता है। सह पश्यति, वह देखता है। आर्यन गच्छति, आर्यन जाता है। रोहणा वदती, रोहन बोलता है। विपुला हंसती, विपुल हंसता है। सह गच्छति, वह जाता है। सह वदती, वह बोलता है। सह हंसती, वह हंसता है। सूर्य उदयति, सूर्य उदय होते हैं। मेघा गर्जति, मेघ गरजता है। शोभिता गायति, शोभित गाता है। सह उदयति, वह उदयमान होता है। सह गर्जति, वह गरजता है। सह गायति, वह गाता है। नर्तका नृत्यति, नर्तक नाचता है। देवा लिखति, देव लिखता है। धावना स्मरति, धावक दौड़ता है। सह नृत्यति, वह नाचता है। सह लिखति, वह लिखता है। सह स्मरति, वह याद करता है।
अब देखिए शिक्षण संकेत, बच्चों को प्रथम पुरुष एक वचन शब्दों में परिचित करवाएं। जब मेरा काम है आपको एक वचन से परिचित करवाना, तो एक वचन की परिभाषा हम आपको लिखवा दिए, प्रथम पुरुष की परिभाषा लिखा दिए। आप अपने कॉपी में सबका हिंदी लिखिएगा, प्रथम पुरुष की परिभाषा को याद कीजिएगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।